जो भी बुरा है वो बुरा नहीं है उसमें भी अच्छाई छुपी है जो भी अच्छा है वो अच्छा नहीं है उसमें भी बुराई छुपी है दोस्तों यही इस दुनिया की औकात है इस दुनिया का सच है भैया मुझे किसी भी चीज में शांति नहीं मिल पा रही मन बहुत बेचैन है मैं कहा शांति को ढूंढूं क्या सफलता में मिलेगी पैसे में मिलेगी आनंद में मिलेगी अकेलेपन में मिलेगी कहा मिलेगी शांति और खुशी पीस एंड हैप्पीनेस कुछ नहीं में मिलती है शून्य में मिलती है बिना किसी चीज के ही मिलती है क्योंकि हमारा मन हमारी आत्मा आनंद से भरा पड़ा है आनंद का सागर है उस आनंद को उस खुशी को उस शांति को हम भंग करते हैं इस दुनिया के विषयों से इंटरेक्ट करके उनमें बंद कर अपनी इंद्रियों के मन के गुलाम बनकर इस मायावी दुनिया के प्रभाव में फंसकर उसको खत्म करते हैं वो तो है आप खुश हो आप शांति में हो वही आपका अस्तित्व है उसको पाना नहीं है उसको रिस्टोर करना है पुनः स्थापित करना है जहां दिमाग शून्य पर पहुंच जाता है मन शून्य पर पहुंच जाता है दुख हो सुख हो पाना हो खोना हो आपको एहसास होना बंद हो जाता है आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस दुनिया में क्या हो रहा है आप अंतर मन में लीन हो इस दुनिया को मायावी अलग थलग समझ रहे हो जिंदा हो जी रहे हो कर्म कर रहे हो पर दुनिया से बहुत अलग हो माया से दूर हो गए वही वो स्थिति है जहां मन को शांति मिलती है और आप प्रसन्नता से भर जाते हो दोस्तों जब भी आप बहुत दर्द में होते हो ना और अचानक से वो दर्द शांत हो जाता है सही हो जाता है चाहे दवाई ली हो बिना कुछ हुए भी आपको बहुत अच्छा महसूस होता है बहुत खुशी महसूस होती है जीवन अच्छा लगने लगता है कुछ मिला आपको नहीं मिला कुछ पाया नहीं पाया कुछ अच्छा हुआ नहीं हुआ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आपको दर्द होता है फिजिकल पेन होता है आपका ध्यान इस दुनिया के इस जीवन के विषयों से हट जाता है तनावों से हट जाता है और सारा ध्यान उस दर्द पर चले जाता है आप इस दुनिया से मुक्त हो गए सारा ध्यान दर्द पर चला गया और जैसे ही दर्द सही हुआ आपका ध्यान इस दुनिया में किसी चीज पर है ही नहीं दर्द पर था अचानक से वो सही हुआ आपका ध्यान दुनिया में वापिस आया नहीं है और देखना आप कितना आनंद महसूस करते हो कुछ ना होते हुए भी जीवन अच्छा लगता है सुकून मिलता है फिर धीरे धीरे दुनिया के जीवन के विषयों पर ध्यान आने लगता है ये टेंशन है ये करना था ये होना है ये नहीं होगा वो परेशान कर रहा है वो ये वो ये फिर नीरस उदास हो जाते हो तो वो जो क्षण है जब दर्द खत्म हुआ आपका ध्यान इस दुनिया के विषयों पर नहीं आया वो बता रहा है कि बिना विषयों के ही आपको मन में शांति मिल सकती है आपको सुख मिल सकता है खुशियां मिल सकती हैं या जब आप सुबह सुबह सोकर उठते हो कितनी जीवन में परेशानी चल रही हो जैसे ही सोकर उठे आंखें खुली पहली सांस ली उठकर ज्यादातर लोग खुश उठे होंगे ताजगी होगी मुस्कुराहट होगी फिर अचानक से विषय आने लगेंगे यह परेशानी चल रही थी ये इशू है ये टेंशन बनी हुई है वो हो गया तो क्या होगा फिर आप दुखी हो जाते हो तो यह बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जहां आपका ध्यान विषयों से हटा वहीं आपका मन आनंद और शांति से भर जाता है बिना किसी चीज को पाए बिना कुछ अच्छा हुए भी कोई समझदारी कोई सुख आपको खुशी नहीं दे सकता आपके मन को शांति हमेशा के लिए नहीं दे सकता क्योंकि जो भी है वो इस दुनिया का विषय है और विषयों से आसक्ति कभी भी आपको सुख नहीं दे सकती सिर्फ बांध सकती है जहां आप प्रकृति में शामिल हो गए जीवित होने का एहसास कर रहे हो और अंतर मन में लीन हो वहीं आपने सब कुछ पा लिया इस दुनिया में हर विषय की जो गहराई है जो उसकी जड़ है वो या तो मोह है अटैचमेंट है या उसकी सहूलियत है आपका कंफर्ट है आपका आराम है और उसका अस्थाई होना है जितने भी दुनिया के विषय हैं, सब अस्थाई हैं। सबसे आप मोह से बंधे हुए हो और उनकी सहूलियतों को खोने से डरते हो जोड़ के देख लो किसी भी विषय को इंसान को परिस्थिति को फिट कर लो इस फॉर्मूले में सच ही पाओगे तो जीवन में हर विषय में हर परिस्थिति में एक द्वंद चलता है एक लड़ाई चलती है आप चाहते वो हमेशा रहे सुख रहे मोह बना रहे और उस विषय की जो असली औकात है वो बहुत अस्थाई है वो बहुत टेम्परेरी है वो बदलता रहेगा तो दिमाग में मन में द्वंद्व चलता रहेगा कब जाएगा जाएगा तो नहीं छिन तो नहीं जाएगा मिलता रहेगा नहीं मिलेगा इसलिए आपका मन अशांत पड़ा रहता है और जीवन में कोई एक विषय तो है नहीं और विषय आपकी सोच आपकी कामनाएं आपकी इच्छाएं भी हो सकती है वो भी है ना पाने का डर ना मिलने का डर तो इन्हीं दो के द्वंद के बीच में स्थायित्व की सोच और अस्थाई विषयों के बीच में द्वंद चलता रहेगा वो आपको इमोशनली डिस्टर्ब रखेगा मन को हैरान परेशान रखेगा आप डरते रहोगे खोने से डरते रहोगे ना पाने से डरते रहोगे फ्रस्ट्रेटेड रहोगे इच्छुक रहोगे फंसे रहोगे जिसने खुद को इन विषयों से मुक्त कर लिया इन धागों से मुक्त कर दिया मिले ना मिले हो ना हो सहूलियत हो परेशानी हो जो कुछ भी हो मैं मुक्त हूं ना मैं ये शरीर हूं ना मैं ये दुनिया हूं ना मैं ये प्रकृति हूं मैं इससे अलग हूं मैं इसमें आया हूं जीने के लिए शरीर को चलाने के लिए मैं इस सब से बड़ा हूं ये सब नाशवान है मैं नाशवान नहीं हूं मैं तो ऊपर वाले की शक्ति हूं खाली गेम प्ले ही तो हो रहा है टीवी में घुस के तो नहीं खेल रहा ना रिमोट मेरे हाथ में है जिस दिन आपने खुद को इन विषयों से मुक्त कर लिया ना आपको खुशियों की जरूरत है हंसने के लिए ना आपको पैसों की जरूरत है खुद को अमीर महसूस करने के लिए और आपको खुद को अमीर महसूस करने की भी जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए शांत रहने के लिए ऐसी स्थिति में जब एक इंसान खुद को विषयों से अलग देखता है उनसे दूरी बना लेता है अंतर में झांकता है खुद को शांत करने की न्यूट्रल करने की दुनिया से दूर करने की थोड़ी सी कोशिश करता है तो वो जमीन से उठकर सीधा बादलों में पहुंच जाता है उसकी फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है और जो विषय यहां से बड़े बड़े दिख रहे हैं जमीन पर डरावने दिख रहे हैं डर लग रहा है इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं वो आसमान से आपको सब एक जैसे छोटे छोटे नजर आएंगे इनकी क्या औकात है सब मिट्टी की तरह दिख रहे हैं मैंने इतना बड़ा समझता था फिर वो आपको परेशान ही नहीं कर पाएंगे हैरान ही नहीं कर पाएंगे हा नीचे जमीन पर खड़े होके घूरोगे तो बहुत बड़े बड़े नजर आएंगे बच्चे क्यों खुश रहते हैं मैं आए दिन देखता हूं धूप में गर्मी में नंगे पैर बच्चे खेल रहे होते हैं सड़क पर मिट्टी के महल बना के बच्चे खुश हैं खाली घंटों घंटों बैठे हुए हैं कोई भी चप्पल है पेंसिल है कोई भी चीजें खेले जा रहे हैं उसी में मस्त है खुश है ना महंगे खिलौनों की ना महंगी चीजों की ना बढ़िया चीजों की ना लोगों की किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि खुशी हमारे मन का हमारी आत्मा का डिफॉल्ट कोड है जहां जहां हम दुनिया के विषयों में फंसते चले जाएंगे वहां वहां खुशी और मन की शांति चली जाएगी दूर जाती चली जाएगी जितना इस कैरेक्टर से जो एक गेम खेल रहा है इससे दूर होकर उस गेम में उस खेल में ध्यान चले जाएगा उतना ही हम दुखी होते चले जाएंगे जितना ये एहसास चले जाएगा कि मैं इस शरीर को संभाल रहा हूं इस जीवन में इस खेल में खेल रहा हूं जहां ये ध्यान जाएगा और आप इस दुनिया में शामिल हो जाओगे खुद को ये शरीर समझने लगोगे विषयों में बंदा समझने लगोगे आपके मन से शांति और सुख चले जाएंगे और अक्सर ऐसा ही होता है जितना डिटैच रहोगे खुद को अलग समझोगे सब कुछ टेम्परेरी समझोगे जीवन टेम्परेरी समझोगे ये विषय आपके नहीं है इस दुनिया में कुछ भी आपका नहीं है रिश्ते भी आपके नहीं है दुनिया आपकी नहीं है धन दौलत घर माया जो भी है वो आपका नहीं है सब पराया है सब यहां का है यहां से आपको बिछड़ना ही है आप यहां के नहीं हो आप कहीं और के हो जितना ये एहसास करोगे उतना ही सुखी रहोगे मन में शांति रहेगी बहुत ज्यादा कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा बांध नहीं पाएगा टेंशन नहीं दे पाएगा क्योंकि आपको उसकी औकात पता है आपको पता है कि ये राख है भविष्य की यह राख है आज चाहे हीरे की तरह लग रही हो तो दोस्तों जितने भी खुशी के विषय हैं मोह के विषय है इस दुनिया में एहसास करो कि ये दुख के विषय हैं ये आपको दुनिया में बांध रहे हैं बिछड़ने का दुख दे रहे हैं टेंशन दे रहे हैं और जो भी दुख के विषय हैं बिछड़ना हो रहा है परेशानी हो रही है वो आपको जीवन की असलियत का एहसास दिला रहे हैं इन विषयों से दूर कर रहे हैं इनकी असलियत बता रहे हैं मानसिक तौर पर मजबूत बना रहे हैं इनको भी अच्छा समझो अगर ध्यान से देखोगे इस दुनिया में हर चीज शून्य पर ही आ जाएगी जो आज है वो कल नहीं होगा तो मतलब वो शून्य ही है जो अच्छी चीजें हैं वो आपको बांध रही है आदि बना रही हैं डरा रही हैं खोने के डर से वो आपको मोह दे रही हैं तो वो खराब है जो बुरी चीजें हैं फेलियर हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं आपके जीवन को लड़खड़ा रहे हैं वो अच्छे हैं वो आपको सीखे दे रहे हैं समझदार बना रहे हैं जीवन की औकात बता रहे हैं विषयों से दूर कर रहे हैं जीवन को दिलचस्प बना रहे हैं तो सब शून्य ही हुए ना अच्छाई के साथ बुराई मिल गई शून्य हो गया बुराई के साथ अच्छाई मिल गई शून्य हो गया तो किसी से भी आपको कुछ इफेक्ट क्यों पड़ रहा है हर चीज की जड़ में जाओगे ना तो हर चीज नकली ही नजर आएगी वो कुछ है ही नहीं किसी चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है सब कुछ शून्य है इस दुनिया में क्योंकि जहां प्लस है वहां माइनस भी है प्लस माइनस मिलके शून्य हो जाता है जहां माइनस है वहां प्लस भी है वो भी शून्य हो जाता है जो भी बुरा है वो बुरा नहीं है उसमें भी अच्छाई छुपी है जो भी अच्छा है वो अच्छा नहीं है उसमें भी बुराई छुपी है दोस्तों यही इस दुनिया की औकात है इस दुनिया का सच है तो जितने भी बंधन है विषय है मोह है माया है टेंशन है आज की कल की वस्तुओं की विषयों की लोगों की आपको मानसिक तौर पर उससे दूरी बनानी है खुद को अलग महसूस करना है अंतर मन से खुद को जोड़ना है आत्मा से खुद को जोड़ना है इन विषयों से अलग करना है थोड़ी दूरी बनानी है साधु बनने को नहीं कह रहा वो आप बन भी नहीं सकते वो आसान काम नहीं है बहुत मुश्किल काम है बहुत तप करना पड़ता है लेकिन बिल्कुल हर चीज में घुसो मत थोड़ी दूरी बनाकर रखो मन में शांति आएगी और खुशियां भी आएंगी तो खुश होने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है मन की शांति के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है वो है वो जीवन का हिस्सा है हम उससे दूर भाग रहे हैं दूर भागना बंद कर दो अपने आप पुनः स्थापित हो जाएगी थैंक यू ऑल द बेस्ट